माई न्यू व्लॉग. सो सॉरी गाइज, बहुत दिनों बाद व्लॉग लेके आ रही हूँ, बट टाइम ही नहीं मिला, बहुत बिजी हो गई थी रेस्क्यूज़ में, ट्रीटमेंट में. सो आज का व्लॉग है स्पेशली स्टेरलाइजेशन अपडेट्स के लिए, बिकॉज मैंने दो डॉग्स रिसेंटली स्टेरलाइज करवाए हैं. एंड ये सारी की सारी अपडेट्स गाइज इंस्टाग्राम पे डेली आती हैं, तो अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, सेम नाम से आईडी है, टाइसन एंड सिम्बा फॉर स्ट्रेज. एंड यूट्यूब पे डालना डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करेंगे तो आपको डेली की डेली अपडेट्स मिल जाएगी वहाँ पे. तो फिलहाल अपडेट से शुरू करते हैं. सो ये है फैंटेसी एंड ये है ब्लैकी. तो मैं थोड़ी सी लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी. मैं फैंटेसी को इसकी स्टेरलाइजेशन हुई है, साथ ही साथ ब्लैकी की भी हुई है, अभी इसने खाना खाया है. सो अभी इसको ट्रीट्स देने के लिए आई हूँ. ये यहाँ पे मंचू सो रहा है रजाई के अंदर फिर भी. सो अभी हम इसको ट्रीट्स दे देते हैं. इसको चूस्टिक दिया हमें, लिटरली एक ही देंगे. चलो लो खा लो खा लो खा लो अपनी चूस्टिक. कैमरे पे नहीं खाएगी क्या? खा लो इसको. चूस्टिक्स इसकी फेवरेट है. सो इंस्टाग्राम के बायो में लिंक है अगर आप चूस्टिक्स डोनेट करना चाहते हैं तो. सो अभी हम जा रहे हैं फीडिंग पे, आपको बाकी बच्चे भी दिखा देते हैं. सो ये पूरा मेरा कबर्ड है, पार्सल वगैरह रखे हैं, दवाइयाँ सब नीचे सेट है पूरा, ऊपर न्यूज़पेपर्स हैं. तो अंदर लोग सो हम वापस आ जाते हैं फैंटेसी पे. हम भी फीडिंग करवा के आ गए हैं. तो फैंटेसी को जब हमने स्टेरलाइजेशन के लिए भेजा था 7 फेब को, तो वो बीमार पड़ गई थी. तो 7 फेब को तो वहाँ पे रखा, देन 8 को उसकी सर्जरी भी हो गई. एंड आज 10 फेब है, तो मैंने कल उसे वापस बुला लिया था ताकि मैं उसकी टेक केयर कर सकूँ. तो ये फैंटेसी की स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको. तो ये अब स्टेरलाइज्ड है एंड एकदम ठीक है एंड ओके एंड फाइन है. एंड ब्लैकी भी अच्छे से स्टेरलाइज होके वहाँ से आ गई है. एंड कल इन दोनों के स्टिचेस देखने डॉक्टर आने वाले हैं जहाँ से सर्जरी करवाई है इनकी. सो बस ये अभी के लिए ये अपडेट आज 10th के लिए. एंड मैं 11th पूरी अपडेट्स सब कुछ देखे जब मैं इनको टोटल रिलीज़ करूँगी तब मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगी. सो अभी के लिए ये दोनों एकदम ठीक है. इनके स्टिचेस कल डॉक्टर देखने आने वाले हैं, तो मैं कल बताऊँगी कि सब ठीक है क्या है. एंड बाकी से मैं आपको कल व्लॉग में. तो गाइस आप देख सकते हो ये इनकी तब की वीडियो है जब ये स्टेरलाइजेशन के लिए एनजीओ जा रहे थे. दोनों बहुत ही डरे हुए थे इसी वजह से. फैंटेसी बीमार हो गई बट अब बिल्कुल ठीक है. वो व्हाइट कलर का ना? हाँ. डेट फॉर 11 जनवरी. स्टिचेस चेक होने थे, तो स्टिचेस एकदम ठीक है अभी दोनों के. एंड दोनों अभी बाहर घूमने के भी हैं. ब्लैकी को तो हमने रिलीज़ कर दिया, उसके स्टिचेस एकदम सही थे तो उसे रिलीज़ कर दिया. एंड फैंटेसी को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ा है. एंड हम क्लीनिंग करते रहेंगे जब तक कि स्टिचेस हट ना जाए. एंड स्टिचेस रिमूव नहीं करने होते हैं, स्टिचेस अपने आप डिजॉल्वेबल होते हैं. वो वाले स्टिचेस यूज़ किए गए हैं. तो आज के लिए ये अपडेट है अभी तक की. बाकी मैं जब फीडिंग पे शाम को जाऊंगी तो आपको ब्लैकी एंड फैंटेसी से ज़रूर मिलवाऊंगी. एंड फैंटेसी तो अभी थोड़ी देर में घर पे आ जाएगी, ब्लैकी से मिलवाऊंगी आप सबको. सो अभी के लिए ये अपडेट है कि स्टिचेस दोनों के एकदम परफेक्ट है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स. तो मिलते हैं शाम को. दिस इज ऑल अबाउट 12 फेब. एंड ब्लैकी को हम कल ने रिलीज कर दिया है एंड ये फैंटेसी आज से भी रिलीज करेंगे. सो फाइनली जब रिलीज करूँगी तो मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी. एंड सॉरी ब्लैकी की मैं अपलोड नहीं कर पाई, फ़ोन नहीं था मेरे पास उस टाइम, बट इंस्टाग्राम पे शॉर्टली डाल दूँगी. एंड आज हम इसे भी रिलीज़ करेंगे तो इसकी तो मैं शॉर्टली वीडियो पक्का डालूंगी रिलीज़ करते टाइम पे. सो कीप योर गुड विशेज़ विद हर. आज हम इसे इसकी जगह वापस छोड़ देंगे. अभी तो सो रही है, सुबह की 10 ही बजे हैं अभी. तो चलिए मिलते हैं जब इसे छोड़ने जाएंगे तब. फैंटेसी को रिलीज़ कर रहे हैं एंड अपनी जगह अपने आप वैसे चली जाती है. इसको चूस्टिक दिया, स्वेटर भी इसको अच्छा ही लगता है.
इसको छोड़ दूँ इसकी जगह, लाइक गेट खोलूँगी तो अपने आप इसकी जगह देख लेगी बाहर हमारे वाइट टी जी। चुस्टिक खाएगी जब भाड़े का से। लैकी तो अपने आप चली जाती है जिसका नहीं। चलो पैटी बाहर नहीं जाना है, इतनी देर से रो रही थी तो उसकी जगह चली गई है अपने आप। सो फैंटेसी अपनी जगह जा चुकी है गाइस। प्रेयर्स कीप सपोर्टिंग। सो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, बाय बाय।